आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। देपालपुर विधायक विशाल पटेल द्वारा देपालपुर नगर के इंदौर रोड स्थित जगदीश पटेल वेयर हाउस के भवन पर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कॉलेज द्वारा आयोजित की जा रही ऑफलाइन कक्षाओं की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती को पुष्प माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर विधायक विशाल पटेल ने कहा कि मेरे द्वारा पूर्व में की गई घोषणा के अनुरूप छात्र छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ ऑफलाइन शिक्षा देने की शुरुआत की गई है। इसमें जो भी छात्र छात्राओं को सुविधा की आवश्यकता होगी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल कॉलेज इंदौर के डायरेक्टर कल्पेश भट्ट ने अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया और ऑनलाइन क्लास के दौरान बच्चों को प्राप्त अंकों की प्रगति की जानकारी दी। विधायक द्वारा भी छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र दुबे द्वारा किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश बड़वाया, दीनदयाल चौबे, राजेंद्र शर्मा, संतोष ठाकुर, करामत खान, प्रकाश जैन के साथ साथ कॉलेज स्टाफ के डॉक्टर आर एस गुप्ता, प्रोफेसर जय उपाध्याय, नील कमल शर्मा, निशा शर्मा, मार्केटिंग प्रभारी आकाश दुबे भी उपस्थित रहे। जितना भी कोर्सेज यहाँ पे मैनेजमेंट संबंधित वो बीकॉम हो, बीएससी हो, बीएलएलबी हो, अनेक और भी कोर्सेज हैं ऐसे जो मेरी घोषणा थी उसमें करीब करीब हम लोगों ने आज शुरुआत करी है। 52 बच्चों के एडमिशन्स करवाए हैं जो कि शिक्षा पूरा ही कॉलेज सभी कोर्सेज जो है पूरा निःशुल्क रहेंगे, मेरे द्वारा सबको पढ़ाए जा रहे हैं। और क्योंकि देपालपुर और इंदौर शहर की दूरी करीब 50 से 60 किलोमीटर की दूरी है, कुछ गौतमपुरा के भी हैं, कुछ देखमा के भी हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन लिए हैं, और 50 किलोमीटर जाना आना बड़ी एक तकलीफ़ की बात है। तो उसी चीज़ को लेकर मैंने जब यहाँ के हमारे कल्पेश जी से बात करी, उन्होंने यहाँ पूरा व्यवस्थाएँ कराई, मैंने यहाँ वहाँ से फैकल्टीज देपालपुर आएगी और उन बच्चों को ताकि उनको सुविधा मिले, शिक्षा का स्तर देपालपुर में सुधरे वो मैं चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आप आर्थिक स्थिति कोरोना के कारण भी खराब हुई है, कहीं ना कहीं समय का अभाव भी है, कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर हमको बढ़ाना भी है, यही एक कारण था जो मेरे को देपालपुर विधानसभा के अंदर हमारे जितने भी बच्चे हैं, नवयुवक बच्चे हैं, प्रतिभाएं बहुत छुपी हुई है, उनको हम निखार सके, एक टेका लगा सके, उनका कहीं ना कहीं भविष्य उज्ज्वल हो सके, ये ऐसा मेरा प्रयास है। इस कारण से मैंने शुरुआत करी है और आज हम लोगों ने इसका शुभारंभ भी कर दिया। कोरोना का नहीं करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर, पहले भी हमने इस कोरोना को सबने मिलकर हराया है, आते हुए समय में जिस प्रकार से और अनेक ऐसे वायरसेस रोज आएंगे, हम सब सतर्क रहें, दूरी बनाए के रखें, मास्क अनिवार्य रूप से पहने और जितनी भी हो सके सोशल डिस्टेंसिंग अगर रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम आते हुए समय में इसको वापस मार पाएंगे।